हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस लेक्चर क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग। फॉर जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, यानी कि इसकी परिभाषा, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, टाइप्स, स्टेजेस और इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसका मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। ब्रेस्ट कैंसर इज डिफाइंड एज अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट सेल इन द ब्रेस्ट एंड सराउंडेड द ब्रेस्ट टिश्यू मेनली डक्ट एंड ग्लैंड। यानी कि ब्रेस्ट के अंदर या फिर सराउंडेड जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसके अंदर क्या होगा, अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी ब्रेस्ट सेल, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। मेनली ये कहां पर देखा जाता है, तो डक्ट के अंदर और ग्लैंड्स के अंदर। ग्लैंड्स यानी कि जो मेमोरी जो ग्लैंड्स होती है उसके अंदर ही हमको देखने को मिलता है। अब यदि ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से एक ट्यूमर क्रिएट होता है, जो ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये जो आपको व्हाइट एंड सिल्वर पार्ट दिखाई दे रहा है ये होता हमारा डक्ट। नेक्स्ट वन इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर ही होते हैं हमारे लिम्फ नोड। और जो सेल आपको दिखाई दे रही है, अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, जिसकी वजह से यहां पर ट्यूमर क्रिएट हुआ है, जो आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं कैंसर। तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन एंड इसकी डेफिनेशन, यानी कि अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट सेल इन द ब्रेस्ट। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, यानी कि इसके कारण क्या क्या हैं, किन कारण की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज अननाउन, इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नाउन नहीं है, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर है जिनके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सम रिस्क फैक्टर आर इंक्लूडेड, कुछ रिस्क फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड है। तो हमारा फर्स्ट रिस्क फैक्टर है अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कैंसर, यानी कि फैमिली के अंदर किसी पर्सन को कैंसर हुआ है तो उस कंडीशन में इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं, जो कि एक जेनेटिक फैक्टर माना जाता है। मोस्टली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो वुमन में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अ पर्सन हिस्ट्री ऑफ द कैंसर, यानी कि किसी वुमन को प्रीवियस कोई कैंसर हुआ है तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। यानी कि कोई भी प्रीवियस कैंसर है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है लेट मेनोपॉज। तो फर्स्ट बात करते हैं कि मेनोपॉज का अर्थ क्या होता है, यानी कि परमानेंट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ठीक है। लेकिन यह पीरियड्स यदि लेट स्टॉप होते हैं अबव 55 ईयर एज तो उस कंडीशन में इसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है अर्ली मेनार्के। अर्ली मेनार्के का अर्थ क्या होता है, यानी कि कोई फीमेल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करती है मेंस्ट्रुअल पीरियड को तो उसको कहते हैं मेनार्के। यदि ये मेनार्के अर्ली हो, यानी कि 10 साल से यदि कम की उम्र में हो जाए तो उस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है एल्कोहल यूज। यदि कोई वुमन एल्कोहल यूज करती है तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है ओबेसिटी। यदि वुमन ओबेस है तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है डेंस ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट के जो टिश्यू है वो डेंस हो जाएंगे, यानी कि फैटी हो जाएंगे तो उसको कहते हैं डेंस ब्रेस्ट। नेक्स्ट वन है यदि कोई मदर ओसीपी यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो हमारा फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर है डक्टल ब्रेस्ट कैंसर,
जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, जो रेड कलर के अंदर हमने अभी देखा था सिल्वर कलर के अंदर, यदि इसके अंदर यदि ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसको कहते हैं डक्टल ब्रेस्ट कैंसर इस पार्ट के अंदर। जैसे कि आप इमेज के अंदर पूरा देख सकते हैं रेड कलर के अंदर हो गया, ये जो सिल्वर पार्ट था हमारा रेड कलर के अंदर हो गया। नेक्स्ट हमारा कैंसर है लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर। लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, जो लोब्स होते हैं उसके अंदर यदि अबनॉर्मल ग्रोथ होगी ब्रेस्ट सेल की तो उसको कहते हैं लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट वन है म्यूसेनियस ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ब्रेस्ट के अंदर, यदि उसके अंदर कैंसर होता है तो उसको कहते हैं म्यूसेनियस ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट वन है इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, यदि किसी इन्फ्लामेशन के कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। एंड लास्ट वन है फिफ्थ वन मिक्स्ड ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि कंप्लीट इसके अंदर ट्यूमर क्रिएट होगा, वॉल जो ब्रेस्ट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर। तो ये थे इसके कुछ पांच टाइप जो हमने इसके अंदर डिस्कस किए। नेक्स्ट अब बात करेंगे स्टेजेस के बारे में, यानी कि इसके अंदर कितनी स्टेज होती है, तो टोटल इसके अंदर पांच स्टेज होती है, जिसके अंदर स्टेज जीरो, स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटली हमारी इसके अंदर पांच स्टेज हो जाएगी, जिसमें हम देखेंगे इसके ट्यूमर की साइज के बारे में, इसके लिम्फ नोड यदि इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, कौन सा बॉडी पार्ट इसके अंदर इन्फेक्टेड होता है वो हम इसके अंदर देखेंगे, और स्प्रेडिंग यानी कि जो ट्यूमर हुआ है वो कहां पर स्प्रेड हुआ है। तो फर्स्ट वन है स्टेज जीरो। स्टेज जीरो के अंदर जो ट्यूमर है वो वेरी स्मॉल होगी और इनसाइड द ग्लैंड होगी, यानी कि जो ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड उसके अंदर ही यदि ट्यूमर हमको देखने को मिलेगी तो वो हमको स्टेज जीरो के अंदर देखने को मिलेगी, और जो ट्यूमर की जो साइज है वो वेरी स्मॉल दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फ नोड के बारे में, यानी कि जीरो स्टेज के अंदर नो कैंसर, यानी कि इसके अंदर जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे स्प्रेडिंग के बारे में, यानी कि जो ट्यूमर है वो कहां पर स्प्रेड होगी, इनसाइड द ब्रेस्ट एरिया नॉट आउटसाइड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट एरिया के अंदर ही ये ट्यूमर स्प्रेड होती है, यानी कि कोई भी अदर पार्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, लेस देन 2 सेंटीमीटर की इसके अंदर ट्यूमर हमको देखने को मिलेगी, लिम्फ नोड इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई भी लिम्फ नोड इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे जो ट्यूमर है वो कहां पर स्प्रेड होगी, तो इनसाइड द ब्रेस्ट एरिया नॉट द आउटसाइड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो ब्रेस्ट एरिया है उसके अंदर ही ये ट्यूमर है जो स्प्रेड होती है, कोई भी अदर पार्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वन है स्टेज सेकेंड। सेकेंड स्टेज के अंदर जो ट्यूमर की साइज है वो कितनी रहती है, 2 से लेके 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है लिम्फ नोड, क्या इसके अंदर लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे, तो अफेक्टेड बाय द कैंसर, और जो लिम्फ नोड है वो अफेक्टेड होंगे बाय द कैंसर के कारण। नेक्स्ट वन है जो ट्यूमर है वो कहां पर स्प्रेड होगी, तो इनसाइड द ब्रेस्ट एरिया नॉट आउटसाइड, तो स्टेज सेकेंड के अंदर भी जो ट्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट एरिया के अंदर ही स्प्रेड होती है, कोई भी अदर पार्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट वन है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड के अंदर जो ट्यूमर की जो साइज होती है मोर देन 5 सेंटीमीटर होती है, लिम्फ नोड इसके अंदर अफेक्टेड होंगे बाय द कैंसर रीच द मसल्स एंड स्किन, यानी कि जो कैंसर है वो मसल्स तक या फिर जो स्किन है वहां तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे स्प्रेडिंग के बारे में, यानी कि ये जो ट्यूमर है वो कहां पर स्प्रेड हो चुकी है, तो इनसाइड द ब्रेस्ट एरिया नॉट आउटसाइड, यानी कि इसके अंदर भी जो ब्रेस्ट एरिया है सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जो ट्यूमर है वो स्प्रेड हुई है, यानी कि जो स्टेज जीरो है वहां से लेके स्टेज थर्ड तक जो ट्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर ही इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट वन है स्टेज फोर, फाइनल स्टेज हमारी। इसके अंदर जो ट्यूमर है वो कौन सी भी साइज के अंदर हो सकता है, एनी साइज, इसके अंदर कोई भी साइज इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट वन है लिम्फ नोड, क्या लिम्फ नोड इसके अंदर अफेक्टेड होते हैं, तो बिल्कुल यहां पर अफेक्टेड बाय द कैंसर जो लिम्फ है वो अफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट वन है स्प्रेडिंग, जो कैंसर है वो कहां पर स्प्रेड होगा, तो कैंसर स्प्रेड आउटसाइड द ब्रेस्ट एरिया टू एनी बॉडी पार्ट, यानी कि जो ट्यूमर है वो आउटसाइड द ब्रेस्ट एरिया स्प्रेड हो चुकी है, वो किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर हो सकती है। तो उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इसके जो स्टेजेस है इजीली समझ में आ गए होंगे।
या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है अ लंप और थिकनिंग इन द नियर ब्रेस्ट एंड अंडर आर्म, यानी कि जो ट्यूमर है, यानी कि लंप यानी कि क्या होता है, गठान या फिर कह सकते हैं ट्यूमर, वो थिकनिंग होगी नियर द ब्रेस्ट एंड अंडर द आर्म। नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम है पेन और टेंडरनेस इन द ब्रेस्ट और निप्पल। ब्रेस्ट और निप्पल के अंदर पेन होगा और टेंडरनेस हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है क्लियर और ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज, यानी कि इसके अंदर क्लियर और ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है चेंज इन द साइज शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट, यानी कि इसके अंदर जो ब्रेस्ट है उसकी साइज शेप और इसका जो अपीयरेंस है वो चेंज होगा। नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम है चेंजेस टू द स्किन ओवर द ब्रेस्ट सच एज स्किन डेट लुक्स डिम्पल्ड, यानी कि जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर जो स्किन है वो चेंज हो जाएगी और कैसी दिखेगी, डिम्पल्ड लाइक, यानी कि इसके ऊपर डिम्पल्ड हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन है चेंजेस इन द कलर ऑफ द ब्रेस्ट स्किन, यानी कि जो ब्रेस्ट स्किन है उसके कलर के अंदर चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। इन द पीपल विथ व्हाइट स्किन, यानी कि जो गोरे लोग होते हैं, यानी कि व्हाइट स्किन वाले जो पीपल होते हैं उसके अंदर क्या होगा, द ब्रेस्ट स्किन मे बी लुक लाइक पिंक और रेड, यानी कि जो व्हाइट स्किन वाले पीपल होते हैं उसके अंदर जो ब्रेस्ट स्किन है वो कैसी दिखाई देती है, रेड और पिंक। नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम है इन पीपल विद द ब्राउन एंड ब्लैक स्किन, यानी कि ब्राउन स्किन वाले पीपल और ब्लैक स्किन वाले पीपल के अंदर जो ब्रेस्ट है उसकी स्किन डार्कर देन द अदर स्किन, ज्यादा ही डार्क इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये थे इसके कुछ साइन एंड सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि इसके अंदर हिस्ट्री लेंगे, यदि फैमिली के अंदर या फिर पेशेंट को यदि कोई कैंसर हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर इसकी हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम इसके अंदर इंस्पेक्शन पाल्पेशन करेंगे। नेक्स्ट वन है मेमोग्राफी, जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर मेमोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट वन है ब्रेस्ट यूएसजी, ब्रेस्ट की यूएसजी करेंगे, एमआरआई करेंगे। नेक्स्ट वन है सीटी स्कैन और लास्ट वन है बायोप्सी। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसके अंदर करते हैं। एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वो हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं, जो वुमन है वो इसको परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, इसका मैनेजमेंट क्या है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फर्स्ट वन है कीमोथेरेपी, हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देंगे। नेक्स्ट वन है हॉर्मोनल थेरेपी, हॉर्मोनल थेरेपी के द्वारा इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट है टारगेटेड थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी का मतलब क्या होता है, जो टारगेटेड सेल होती है यानी कि जो कैंसर सेल होती है हम सिर्फ और सिर्फ उसको ही टारगेट मान के ट्रीट करते हैं, थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन रेडिएशन थेरेपी, हम इसके अंदर रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है सर्जरी, हम इसके अंदर सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट सर्जरी है मेस्टेक्टोमी एंड सेकेंड वन है लिम्पेक्टोमी। तो ये दो सर्जरी इसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, स्टेजेस क्या क्या हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है और इसका जो मैनेजमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।